नमस्कार। देश और प्रदेश के लोकसभा के नतीजे बड़े अप्रत्याशित आए और प्रदेश के अंदर और देश के अंदर इंडिया गठबंधन ने प्रत्याशित नतीजों का एक नमूना पेश किया। जब हम हिसार लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो वहाँ भाई जयप्रकाश जेती जेपी, जिन्हें प्यार से नेताजी कहते हैं, उन्होंने एक अच्छी लीड लेकर एक ऐसे कैंडिडेट को हराया जो अपने आप को चौधरी देवीलाल की लेगेसी का एक्सटेंड करने वाला मानता था और उसका श्रेय एक ऐसे व्यक्ति को जाता है जो समाज सेवी कहूँ, जिसे ग्रामीण सुधारक कहूँ, ढाणा खुर्द को जिसने विश्व के मैप पे लेके आया, हांसी को काशी बनाने का जिनका सपना अभी भी है और अंथक मेहनत करके एक जन समर्थन यात्रा करके जेपी के पक्ष में एक माहौल को बदल दिया। आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस शख्सियत के साथ, शिद्दत के साथ बात कर रहा हूँ। आप हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं, भाई नरेश यादव ढाणे वाले और कांग्रेस नेता ढाणे वाले नरेश जी से बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं राव साहब आपको मुबारकबाद देता हूं कि भाई जयप्रकाश जेपी नेताजी ने एक अच्छे मार्जिन से एक ऐसे कैंडिडेट को हराया जो हमारे मोदी साहब का दम भरते थे। नमस्कार बंसल जी, आपके आसी की आवाज़ के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरी तरफ से, ग्राम पंचायत ढाणा खुर्द की तरफ से, पूरे हल्का हांसी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जयप्रकाश जेपी जी की तरफ से, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की जी की तरफ से और भाई दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से और पूरी टीम नरेश की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि 50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर आपने अथक मेहनत की, आपके साथियों ने अथक मेहनत की, नरेश टीम यादव ने मेहनत की और अन्य कांग्रेसी जो भी नेतागण हैं सब ने एक जॉइंट वेंचर समझ के, अपना यानी कि चुनाव समझ के मेहनत की और 63,000 का कोई मार्जिन कम नहीं होता। हम आकलन लगाते थे कि 30-35,000 से जीत है, कई तो सट्टा बाजार ने उनको बिल्कुल डाउन कर दिया था, लेकिन आप लोगों ने उनको उभार के 63,000 से ज़्यादा जीत पर ले आए, ये कैसा करिश्मा हुआ? बहुत ज़बरदस्त जीत इस हल्के ने दी है। पूरे के पूरे लोकसभा क्षेत्र का मैं धन्यवादी हूँ। और बंसल जी, जैसे कि आपको पता है, हांसी के सभी कांग्रेस नेताओं ने ही नहीं, पूरे लोकसभा क्षेत्र के सभी कांग्रेस नेताओं ने अपनी शिद्दत और दिल से काम करके जयप्रकाश जेपी जी को एक झूठ के जुमले के अंदर जो पब्लिक को बहकाने का काम ये कर रहे थे और व्यापारियों को डराया गया, धमकाया गया, हांसी में अपने हालात देखे हैं। आज जितने लोगों ने कांग्रेस के वोट दिए हैं उसमें किसी को नहीं लग रहा था कि इतना ज़बरदस्त क्रेज हांसी शहर के अंदर भी होगा और इस आदमी ने खौफ का माहौल पैदा कर रखा है शहर के अंदर। और आज उसी की मैंने कल भी बोला है, मैं आज आपके चैनल पर भी बोलने से गुरेज नहीं करूँगा कि विधायक जी की जो नीति और नियत है ये उसकी देन है ये रिजल्ट। रणजीत सिंह जी बहुत ईमानदार व्यक्ति था, अच्छी व्यवहार के नेता हैं और मैंने चैनल के माध्यम से भी, स्टेज के माध्यम से भी हर जगह बोला है कि जो विधायक जी हैं उनको एक इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि हम आपको 70,000 से ज़्यादा वोटों के लिए ढांसी से देंगे, क्योंकि उन्होंने उनकी जेब खाली करनी थी, उनको धोखा देना था। धोखा देने की प्रवृत्ति वाला इंसान है ये। पूरे विधानसभा के अंदर इसके नज़दीकी से नज़दीकी आदमी आके मीडिया पे बोल के दिखा दें कि ये ईमानदार आदमी है या धोखा देने वाला नहीं है, एक भी आदमी इसके साथ चलने वाला आदमी इसको साफ छवि का नहीं कह सकता। दागदार आदमी है, हर जगह भ्रष्टाचार को इसने जन्म दिया है या खुद किया है या अपने कुछ लोगों से भ्रष्टाचार कराया गया है। आज हांसी के अंदर मैं पूछना चाहूँगा विधायक जी से
कि आपने ये जो बोला था वो 70,000 की लीड का है। रणजीत सिंह, रणजीत जी बार बार कल हाँसी के काउंटिंग सेंटर में आते रहे, जितना उन्होंने हाँसी के काउंटिंग सेंटर में आगे लीड लिखी होगी शायद कहीं नहीं लिखी होगी, क्योंकि वो ढूंढ रहे थे कि वो विनोद भ्याणा जी वाली 70,000 वाली लीड किस टाइम खुलने वाली है। वो चार आंकड़ा तीन आंकड़े में बदल गया, 6,000 की मिली। मैं कह रहा हूँ ये 6,000 भी नहीं मिलनी थी, ये खोप लेके लोगों में डर डाल के और इन्होंने धनबल के माध्यम से ये वोट हासिल करने का काम किया है। मैं तो यही भी कहूँगा, अभी भी आपके पास टाइम और समय है और लास्ट वार्निंग आपके पास है जो लोगों की, इससे भी आप समझ नहीं पाए कि आप जनता जी जनता से माफ़ी मांग लीजिए और बताइए कि जो आप अपने काम किए हैं उनको सामने रख दीजिए, जनता आपको माफ़ कर देगी। जो गलतियाँ हैं उनको सामने रख लो, एक गलती होती है अनजाने में, एक गलती हो जान के गलती कर रखी है उसका माफ़ी मांगने में मुझे नहीं लगता कोई गुरोज होना चाहिए। जश्न जीत बहुत मनाया होगा कल आपने। ऐसा है, कार्यकर्ता जब इतनी मेहनत करता है, इतनी लगन से काम करता है और जीत की खुशी वो ना मनाए ऐसा हो नहीं सकता। लोगों ने खूब खुशी मनाई है, सबने लड्डू बांटे हैं, सबने लड्डू खाए हैं और हम तो यही कहेंगे भगवान हमें ऐसे मौके आगे भी देता रहे। आपकी जन समर्थन यात्रा पूरे शहर के अंदर 50 डिग्री टेम्परेचर में घूमी और एक माहौल को क्रिएट किया, उसमें सभी आपके साथी भी थे, कांग्रेस के अन्य साथी भी थे और आपके जो फॉलोवर्स थे जो कांग्रेस के जो आपने बनाए थे कांग्रेस में इंडक्शन के बाद वो सब थे, तो उसका कितना योगदान रहा उसमें? ऐसा है, हर कार्यकर्ता हर नेता की मेहनत अपने अपने तरीके से थी, सबकी मेहनत ने काम किया है, सब नेताओं ने काम किया है, सब कार्यकर्ताओं ने काम किया है और टीम नरेश तो आपको पता है एक अलग से ही प्रचार के उसमें रहती है, क्योंकि हम शिद्दत से काम करने वाली टीम है हमारी और पूरी शिद्दत से उन्होंने अपना काम किया। जिस दिन वो रोड शो निकला था, जो यात्रा निकली थी, उस जन समर्थन यात्रा ने पूरे लोकसभा क्षेत्र का माहौल बदल के रख दिया था और उसी दिन हमने आपके चैनल पे बोल दिया था कि टीम नरेश की जन समर्थन यात्रा ने इतना जन समर्थन जुटा लिया है कि जयप्रकाश जेपी जी एमपी बन जाएंगे। 5-5 का आंकड़ा हुआ हरियाणा प्रदेश में, 4 महीने बाद विधानसभा का चुनाव है, तो क्या लगता है कि कांग्रेस रिवाइव करेगी? आपने देखा है इस चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी की साख तो मिट्टी में मिली है। मैं आपको ये और कहना चाहूँगा, गोदी मीडिया की साख भी मिट्टी में मिली है। गोदी मीडिया जो देखने को मिला, 400 पार वाले जो चैनल थे, मैं दिल से कहता हूँ उनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि जनता अगर किसी पे विश्वास करती है तो न्यूज़ चैनलों पे करती है, उनकी साख को दाव पे ना लगाओ कि लोग टीवी देखना बंद कर दें। इतना ज़बरदस्त जो करेज आपने दिखा के जनता को भ्रमित किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था एग्जिट पोल वालों को। और एग्जिट पोल ही अगर देश का फैसला करते हैं तो फिर चुनाव प्रक्रिया करने की जरूरत ही नहीं होती। आने वाली सरकार किसकी मानते हैं? बिल्कुल ऑब्वियसली गठबंधन की सरकार होगी इंडिया के अंदर, और अभी भी गठबंधन की सरकार बनेगी, आप देख लेना। गठबंधन की आप 100% बनी रही है, ऑप्शन ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को कोई एक सीट वाला समर्थन नहीं देगा। जो इनके एनडीए के घटक दल हैं वो घटक दल ही बाहर जा रहे हैं। कल मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज तो डाउन थी। ऐसा है सर, जनता के समर्थन से बॉडी लैंग्वेज बनी है, जनता ने समर्थन वापस ले लिया, बॉडी लैंग्वेज कहाँ से बचेगी? अब यानी कि आने वाला मुख्यमंत्री किसके नेतृत्व में चुनाव होगा हरियाणा का? देखिए ये और नरेश यादव कहाँ खड़े हैं, ये मेरे लेवल की बात नहीं है। ऑब्वियसली ये चुनाव भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में करे और उदय भांजी के सामूहिक नेतृत्व में हुआ है और आगे भी जनता उन्हीं के नाम पे मोहर लगाएगी, इसमें तो कोई पूछने की बात ही नहीं है। क्योंकि ये पूछ के हम ये कहें कि हम बाकियों को नेकलेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब जिसके नाम से जिसको जनता नेता मानती है उसके हिसाब से काम चलेगा आगे भी। नरेश यादव जी आगे क्या गुल खुलाएंगे? बिल्कुल जनता की सेवा करेंगे, हाँसी को काशी बनाएंगे, हाँसी को काशी बनाएं। बिल्कुल, हमारा तो संकल्प यही है। दूसरी बात, आपका कैंडिडेटचर होगा हाँसी के लिए, कितनी उम्मीद रखते हैं हम? वो पार्टी की मर्जी है, कार्यकर्ता और पार्टी जिसको भी आगे लेके आएंगे वो तैयार हैं। ये थे नरेश यादव जी, दुआ ऐसी जो दी उन्होंने, बहारों की फूल इतने खिल गए कि आशियाना छोटा पड़ गया, वोट इतने लोगों ने दिए कि आशियाना छोटा पड़ गया, उम्मीद से ज़्यादा जयप्रकाश जेपी जी जीते, आप लोगों की मेहनत से जीते, सभी लोगों के जॉइंट वेंचर से जीते। और मैं उम्मीद चाहता हूं कि जेपी जी हाँसी का ही नहीं पूरे क्षेत्र का विकास करवाएं। थैंक यू सो मच। ये थे नरेश यादव जी,
नरेश यादव जी चले जाते हैं आपकी महफिल से हम, अगर दिल घबराए तो फिर बुलाइएगा, इसी तरह छाए रहे, ईश्वर आपकी सुनेगा और हंसी को काशी बनाने का सपना पूरा करेगा। सबकी शुक्रिया, सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए और हमारा सब चैनल अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते रहिए हंसी की आवाज़। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, गर्मी बहुत पड़ रही है, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। नमस्कार।